वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोरियन लैंग्वेज का सिलेबस बी ऑनर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हमारे पास 21 का सिलेबस है, सिलेबस वही होता है सेम, तो 22 का भी आपका यही सिलेबस है। नेम ऑफ द फैकल्टी ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट या सेंटर कोरियन लैंग्वेज। नेम ऑफ द प्रोग्राम बी ऑनर्स कोरियन लैंग्वेज। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो। तो चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि पार्ट ए पार्ट बी, जैसे कि मैंने आपको आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है, बाकी सिलेबस जब मैं डिस्कस कर रही थी कि किसी भी लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो दो पार्ट्स में होता है, इसी तरीके से कोरियन लैंग्वेज का भी दो पार्ट में पेपर होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट ए ऑब्जेक्टिव या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्वेश्चन होगा आपके पास चार ऑप्शंस होंगे और आपको टिक करना होगा राइट आंसर पे, करेक्ट आंसर पे। देन पार्ट बी जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जहां आपको पूरे आंसर्स खुद लिखने होंगे। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट का एक फ़ायदा ये हो जाता है, एक पॉजिटिव चीज़ ये है, पॉजिटिव साइड ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, सब्जेक्टिव पेपर का, कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे पार्ट ए, यहाँ पे पार्ट ए बताया, पार्ट बी बताया। पार्ट ए मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके जो मार्क्स होते हैं टोटल जो आपका पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा। अब इन 100 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 40 एंड 60। अब 40 मार्क्स का जो होगा ये पार्ट ए होगा, यानी कि एमसीक्यू जो होंगे आपके क्वेश्चंस वो होंगे 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का। देन 60 मार्क्स के क्या होंगे, पार्ट बी जो होगा, पार्ट बी वाला पेपर जो होगा वो होगा 60 मार्क्स का, ये होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर सब्जेक्टिव पेपर। अब यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा पार्ट ए करने के लिए, पार्ट ए करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे वो 40 मिनट्स का मिलेगा। टोटल जो आपको टाइम ड्यूरेशन है वो कितना मिलेगा आपको, 1.5 घंटे का मिलेगा आपको पूरा टाइम, या फिर 100 मिनट्स का आपको पूरा टाइम जो है वो मिलेगा पेपर करने के लिए। तो यहाँ पे 40 मिनट्स आपको पहले पेपर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव वाला पेपर दिया जाएगा। देन पार्ट बी के लिए आपको पूरा 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट्स। देन अच्छा, यहाँ पे फिर इसमें पासिंग मार्क्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सब्जेक्टिव बहुत अच्छा कर लिया और आपने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छा नहीं किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट ए में 40 मार्क्स का पेपर है, इसमें से आपको 15% आपके मार्क्स होने ही चाहिए, 15% मार्क्स होंगे तभी आपका नाम जो है लिस्ट में होगा। देन पार्ट बी के लिए आपको 30% चाहिए ही मार्क्स, 30% 60 का 30% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 मार्क्स, यानी कि आपको 60 में से 18 मार्क्स चाहिए ही पास होने के लिए। अगर आपके पार्ट बी में, अगर आपने पार्ट ए में 40 में से अगर आपने मान लीजिए 30 मार्क्स भी लिए हैं, 30 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं 40 में से, बट अगर आपका पार्ट बी में यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपके 17 मार्क्स हैं, यानी कि आपके 30% कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, आपके 18 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आपका जो लिस्ट में नाम होगा वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो चेकिंग होती है पेपर की, इस तरीके से होती है। कितनी बार स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे हमारे ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे नंबर थे पर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट में इस वजह से नाम नहीं होता, किसकी वजह से, सब्जेक्टिव की वजह से। सब्जेक्टिव पेपर में आपने अच्छा नहीं किया होता, वहाँ पे आपके 18 मार्क्स नहीं बनते, यानी कि 30% आपका नहीं बन रहा होता है, इस वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो आपको दोनों ही पार्ट्स में यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में पास होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग होगी पार्ट ए में। अब नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग में अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत होता है नॉर्मली, तो एक क्वेश्चन अगर गलत होगा आपका तो कितने मार्क्स आपके रिड्यूस होंगे, आपके जो रिड्यूस होंगे वो 1 मार्क होंगे। बट नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके सिर्फ 1 मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपके 1 से ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी कि 1.25 मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर 4 क्वेश्चंस गलत हुए आपके ऑब्जेक्टिव में तो आपके 4 मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपके कितने होंगे, 5 मार्क्स। ये 0.25 ऐड करके कितना बन जाएगा, पूरे 1 मार्क। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत नुकसान भी होता है।
अब यहाँ पे दिया इंटरव्यू नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी वाला पेपर होगा। देन एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट, कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, पूरा आपका पहले बताया है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। देन डिटेल सिलेबस जो है, अब सिलेबस यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन बी ऑनर्स इन कोरियन लैंग्वेज, मार्क्स 100, पूरा अभी मैंने आपको बताया 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस जो है इसका बेसिकली दो पार्ट्स में सिलेबस भी है, पेपर दो पार्ट में होता है। तो पार्ट ए का है, पार्ट ए विल बी कंसिस्ट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, फेमस पर्सनालिटीज़, तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरल नॉलेज में आ जाती है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अभी न्यूज़ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये आपको पता होने चाहिए, स्कीम्स कौन कौन सी ये पता होने चाहिए, द कंट्री प्रोफाइल और साउथ कोरियन हिस्ट्री। अगर आप किसी भी लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ की हिस्ट्री आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, तो आपको कंट्री के बारे में पता होनी चाहिए कि जो कोरिया है, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, दोनों ही कोरिया के बारे में पूछा जाता है, नॉर्थ कोरिया के बारे में भी, साउथ कोरिया के बारे में भी, वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स का क्या नाम है, वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कोरिया का पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कोरियन लैंग्वेज का, उसमें एंशंट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब जो एंशंट हिस्ट्री है कोरिया की, इंपॉर्टेंट किंग्स, क्वींस, तो उन सब के बारे में भी पूछा गया है। देन साइंस एंड सोशल साइंस ऑफ 1 मार्क ईच, तो अच्छा साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, अगर क्वेश्चंस होते हैं तो एक दो क्वेश्चंस होते हैं, वरना जो बेसिकली जो पेपर होता है वो साउथ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो यहाँ पे जो पार्ट ए का सब जो सिलेबस है वो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स, कोरिया के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, साइंस एंड सोशल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए विद अ वेटेज ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, टाइम ड्यूरेशन विल बी 30 मिनट्स। तो यहाँ पे जो है पार्ट ए का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट ए का जो सिलेबस है। देन पार्ट बी, पार्ट बी में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके का सिलेबस है यहाँ पे? पार्ट बी विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद अ वेटेज ऑफ 60 मार्क्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया अभी, कंसिस्टिंग ऑफ 6 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स का पेपर होगा, वहाँ 6 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। देन यहाँ पे लिखा है 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच पर्टेनिंग टू कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज इन इंग्लिश, अनसीन पैसेज होंगे तो पैसेज बहुत ईजी आते हैं 10 मार्क्स के, वहाँ आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए आपको, प्रेपोजिशन, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, तो प्रेपोजिशन 10 मार्क्स की आ जाती है, सिनोनिम्स आपको 5 मार्क्स के मिल जाते हैं, एंटोनिम्स, टेंसेस पता होने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एडवर्ब, कंजंक्शन। तो आपका ये जो सिलेबस है ये कौन सा, ये पार्ट बी के लिए है। एसे ऑन रिनोन्ड लिटररी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ टर्की और इंडिया, इंडो साउथ कोरिया रिलेशंस, रिलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कोरियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे अब इंग्लिश के अलावा क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या चीज़ पढ़ना है कि आपको किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में या किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, या ऐसे दे देंगे कि किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में लिखे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, चाहे इंडिया के ही, या फिर यहाँ पे टर्की मेंशन किया है, यहाँ पे आई थिंक कोरिया होना चाहिए क्योंकि ये कोरियन का पेपर है। अब यहाँ पे इंडो साउथ कोरियन रिलेशंस, ठीक है, तो इंडो साउथ कोरियन रिलेशंस आपको हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, हिस्ट्री बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्रेजेंट में क्या रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिया और कोरिया के, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं 10 मार्क्स के। देन रेलेवेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग कोरियन लैंग्वेज, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि आप लर्न मतलब कोरियन लैंग्वेज आप सीखें, क्या चीज़ आपको ऐसी मोटिवेट करती है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो 60 मिनट्स का मिलेगा। आई होप आपको ये पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है नोट क्या दिया है, एडमिशन टू द बी ऑनर्स इन कोरियन लैंग्वेज शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिटरमाइंड बाय द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। अच्छा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट देखते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें लगता है कि जैसे ड्यू में होता था पहले
कि ट्वेल्थ की मेरिट पे कि ट्वेल्थ के रिजल्ट पे आपका एडमिशन होता है, तो जामिया में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेरिट का क्या मतलब है, यहाँ पे मेरिट का मतलब है जो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे जामिया में, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में आपके क्या मार्क्स हैं, उस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा जामिया में। सो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन की गई है, और आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा सिलेबस। कुछ पूछना है आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।